सो गाइस सब्सक्राइब करें वेगस फैशन चैनल में जहां आपको मिलेगा मेंस फैशन स्टाइलिंग ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल के ऊपर ढेर सारा टिप्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन एज इट विल गिव यू इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। हे व्हाट्स अप वेगस पीपल, मैं हूं सौरव एंड आप लोग देख रहे हो वेगस फैशन। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो बड़े दिनों के बाद आप लोग से मुलाकात हो रहा है एंड ईद मुबारक टू ऑल माय ब्रदर्स आउट देयर एंड सिस्टर्स आल्सो। सो आज थोड़ा सा बारिश हो रहा है कोलकाता में, सो अगर आपको नॉइज आ रहा है तो फिर काइंडली थोड़ा सा बेयर कर लें। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के पीछे एक रीजन है एंड इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। कई लोगों का सोच, कई लोगों का विचार इस टॉपिक के ऊपर कुछ हटके है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या हम लड़कों को, मेन को, इंडियन मेन को गोल्डन या गोल्ड ज्वेलरी पहनना चाहिए या नहीं। लाइक दिस आई एम वेयरिंग द चेन एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ रिंग इन माई फिंगर। तो इसको लेके बहुत टाइम से कॉन्ट्रोवर्सी चलता है कि इफ यू आर वेयरिंग गोल्ड एंड आप एक कम एज के लड़के हो तो फिर लोग आपको बोलेंगे गुंडा किस्म का है या वैसा कुछ। तो इसी चीज़ को क्लियर अप करने के लिए हमारा आज का वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फिर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही मेंस फैशन, ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, हेयर स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल के ऊपर वीडियोज बनाते रहते हैं। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें, तब तक के लिए लेट्स हिट द इंट्रो। सो इंडियन सोच में बहुत टाइम के पहले से ही ऐसा कुछ कान में सुनने को आता है कि एक कम उम्र का लड़का, 20 से 26 साल की उम्र का लड़का, ये कोई भी अगर गले में उसके पास एक गोल्ड चेन है, ब्रेसलेट है हाथ का या रिंग पहनता है गोल्ड का, तो उसे बहुत एक अलग नज़र से देखा जाता है। लोग बोलते हैं कि गुंडा किस्म का है या फिर ये लुक काइंड ऑफ मॉब एंड गैंगस्टर लुक क्रिएट करता है। तो क्या आपको ये पहनना चाहिए या नहीं, या मैं कैसे इसको हैंडल करता हूँ या मैं कैसे इसको पहनता हूँ, वही आपसे शेयर करना है। सो उसके पहले मैं बता दूँ कि मैं खुद गोल्ड का चीज़ उतना ज़्यादा नहीं पहनता। मैं गोल्ड ज्वेलरी तब भी पहनता हूँ जब मेरा घर में या कोई पूजा वगैरह हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, किसी का शादी हो गया या किसी का कुछ ऐसा, मतलब जो एथनिक ड्रेस में अगर कोई पहनता हूँ तो फिर मैं गोल्ड ज़रूर पहनता हूँ। पूजा वगैरह मतलब डेफिनेटली पहनता हूँ एंड शादियों में पहनता हूँ। सो कल मेरे घर में पूजा था, सो इसीलिए आई एम वेयरिंग दिस गोल्ड रिंग, दिस गोल्ड चेन और वट एवर। सो मैं ये ऑलवेज पहना हुआ नहीं रहता। अब बात यहाँ पर आता है कि क्या आप इसको ऑल टाइम पहने रख सकते हो या नहीं। मैं खुद भी पहना रख सकता हूँ, इट्स आवर पर्सनल चॉइस, ये आपका खुद का पर्सनल चॉइस है। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज का इस वीडियो का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इट्स अबाउट यू योर सेल्फ। अगर आपको पसंद है आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो अपने बॉडी में, आप कुछ भी पहनकर बाहर जा सकते हो। इट्स अप टू यू कम्प्लीटली कि क्या आप कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को कैरी कर सकते हो। मैं पहली बार ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये कई बार बोल चुका हूँ कि आप कुछ भी पहनो, बस कॉन्फिडेंस के साथ पहनो एंड अपने आप को नाइसली कैरी करो एंड यू विल बी रॉकिंग इट। सो आते हैं इस टॉपिक पर कि गोल्ड हम किस तरीके से पहन सकते हैं। गोल्ड अगर बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो गया अका बप्पीदा स्टाइल तो फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप एक रैपर हो तो फिर आपको ये बहुत एनहेंस लुक देता है एंड जैसे कि हमारे इंडियन रैपर्स का एक ट्रेंड रह ही चुका है कि वो लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड फ्लैश करते हैं अपने वीडियोज़ में। गले में मोटे मोटे चेन होते हैं, यहाँ तक लटके हुए रहते हैं, हाथों में ब्रेसलेट, रिंग्स, वट एवर दे आर वेयरिंग। बट अगर आप वैसे टाइप की कुछ सोच रहे हो तो फिर शायद वो थोड़ा सा अलग टाइप का लुक देते हैं जो उतना आँखों के लिए सूदिंग नहीं होगा। बट यू कैन वेयर देम स्मार्टली एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं गले के चेन से गाइस। गला का जो चेन होता है, मैं बहुत अभी पतला यूज़ कर रहा हूँ, पतले टाइप के चेन जो देख सकते हो आप कि लेंथ में भी छोटा है, यहाँ तक आता है, तो इतना छोटा सा चेन लेंथ में। तो ये इस टाइप का अगर आप कैरी करते हो तो फिर इट विल लुक रियली नाइस, क्योंकि छोटा छोटा पोर्शन आपके गले के यहाँ से विजिबल होगा। इट विल बी कम्प्लीटली नॉट लाइक दिस, बाहर अगर आप रखोगे तो फिर उतना अच्छा शायद नहीं लगे, लेकिन छोटा छोटा पोर्शन अगर रिवील होता है तो फिर अच्छा दिखता है। समहाउ एक रिंग मैं हमेशा डालता हूँ एंड ब्रेसलेट भी अगर आपको मन है तो फिर आप डाल सकते हो। कुर्ता वगैरह के साथ बहुत अच्छे से जाता है ना। कलर्स मैं अगर व्हाइट पहनता हूँ तो फिर गोल्ड अच्छे से जाता है, मैं अगर ब्लैक पहनता हूँ तो फिर गोल्ड अच्छे से जाता है। बाकी सब कलर्स के साथ मैं गोल्ड प्रेफर नहीं करता। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोल के रखा है कि गोल्डन टच मुझे हर चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। मेरे घड़ी में गोल्डन टच रहता है, दिस जी शॉक आई एम वेयरिंग इसमें भी गोल्डन टच है, इसका डायल का कॉर्नर वाला पोर्शन गोल्डन है, तो आप देख सकते हो मुझे गोल्ड से थोड़ा बहुत लगाव भी है। मैं एक सनग्लास है मेरे पास जो आई शेड में पहनता हूँ, उसमें भी गोल्ड का एक टच है, तो आई समहाउ लाइक इट क्योंकि एक बहुत प्रीमियम फील देता है। आप देखोगे कि अभी लेटेस्ट मार्केट में बहुत सारे प्रीमियम मोबाइल फोन्स वगैरह में भी गोल्डन टच रहता ही है।
ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी प्रोडक्ट पैकेजिंग में भी ब्लैक और गोल्डन का यूज होता है बिकॉज इट लुक्स रियली नाइस. सो इतना ही तक था गाइस, मैं आपको ज्यादा पकाऊंगा नहीं इस टॉपिक को लेके क्योंकि एक बहुत टाइम से कंट्रोवर्शियल टॉपिक रह चुका है, लेकिन नॉट एनी मोर गाइस क्योंकि इट्स 2018. सो आपके ऊपर है कि आप क्या पहनना चाहते हो एंड इट आपके ऊपर है कि आप कैसे कैरी करते हो. तो फिर गाइस जम के स्टाइल मारो, आपका खुद का स्टाइल है, खुद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू लुक. सो जस्ट कॉन्फिडेंस के साथ पहनो, बस कुछ भी मत पहनो लेकिन कॉन्फिडेंस का केप भी आप पहने रखो तो सब कुछ जमा हुआ रहेगा. तो आज का वीडियो गाइस इतना ही तक था. आप खुद मुझे बताएं कि आप क्या गोल्ड पहनते हो, क्या आपको गोल्ड पहनना पसंद है, क्या आप डरते हो, क्या आप उनमें से जो गोल्ड पहनने से थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं कि इट विल लुक लिटिल बिट क्लैशी एंड ऑल. अगर आप ऐसे टाइप के हो तो फिर वो भी नीचे कमेंट करें. आपका ओवरऑल थॉट क्या है इस वीडियो के ऊपर वो भी नीचे कमेंट करें. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इस लाइक बटन से ना मुझे मेरे चैनल को हेल्प मिलता है. एंड अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो, वो रेड कलर का नीचे लाल बटन है तो उसमें आप जाकर एक क्लिक मार दो तो आप सब्सक्राइब हो जाओगे. बेल बटन पर क्लिक कर दो तो फिर आप मेरे लेटेस्ट वीडियो के साथ जुड़े हुए रहोगे. जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा. एंड अगर मुझे आप पसंद करते हो, अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हो वट एवर, एंड अगर आपको मुझे और ज़्यादा फॉलो करना है तो फिर इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है, नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड नेक्स्ट वीडियो का प्लीज वेट कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है. आई एम फंबलिंग टू मच टुडे, आई डोंट नो व्हाई, बट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए एंड कीप इट क्लीन.